कोरोना वायरस के चक्कर में नीट 2020 एग्जाम को पोस्टपोन किया जा सकता है। फर्स्ट मैं आपको बता देता हूँ कि जो मिनिस्ट्री है हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री, उनके मिनिस्टर ने लोकसभा के अंदर बोल दिया है कि जो नीट का एग्जाम है उसकी डेट को चेंज नहीं किया जाएगा और उस एग्जाम को 3 मई को ही कराया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है और वो ये है कि CBSE के जो बोर्ड्स के एग्जाम है वो पोस्टपोन हो चुके हैं, JEE मेंस के जो एग्जाम है वो भी पोस्टपोन हो चुका है। उसके 31 मार्च को आने थे एडमिट कार्ड, अब ये एडमिट कार्ड को तो पोस्टपोन कर दिया गया है और उसकी जो नई डेट्स होंगी वो 31 मार्च को ही बोल रहे हैं NTA ने कि मैं रिलीज़ करूँगा। अब देखिए जो कोरोना वायरस की जो हालात है हमारे देश के अंदर अभी तो काफ़ी कम है और वो उस कंट्री में से है जो कि अभी काफ़ी कम करता जा रहा है। मतलब 6ठे हफ्ते में है कोरोना वायरस का ये सारा मामला और अभी भी हमारे कंट्री इतने बड़ा कंट्री है उसके अंदर इतना देखने को नहीं मिला। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज जो है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पर अभी 150 से ऊपर हमारे पास मरीज आ चुके हैं कोरोना वायरस के हमारे कंट्री में और 4 जो हैं वो डेथ हो चुकी हैं और जो दिन ब दिन जो है इसका कहर फैल रहा है और सिक्योरिटीज़ को रखना बहुत ज़रूरी है बिकॉज हम अगर एक साथ बैठेंगे अगर एक साथ फैलेंगे तो ये इसके जो वायरस के फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब देखिए मेन प्रॉब्लम ये आपने बोल तो दिया कि 3 मई को एग्ज़ाम ही होगा, इसके अंदर कोई पोस्टपोन नहीं होने वाला है। उनके पीछे रीज़न ये है कि वो जो चाहते हैं उन्होंने ये सोचा होगा कि मई के अंदर आने में अभी भी 1 महीना और है और कोरोना वायरस को अभी हम अगर पूरी तरह से कंट्रोल कर लें तो फिर एग्ज़ाम को अभी के रूमर फैलाने से कोई मतलब नहीं होगा। तो स्पेशली अगर हम बात करें इस एग्ज़ाम के पोस्टपोन होने की तो अभी के हालात है कि नहीं होगा, लेकिन अगर रियलिटी में देखा जाए और अगर कोरोना की जो हालत है अभी सिचुएशन जो बनी हुई है उसके हिसाब से नीट 2020 एग्ज़ाम डेफिनेटली पोस्टपोन होगा। अब ये कितना हो उसका ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन देखिए प्रॉब्लम यह है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा पोस्टपोन करने से भी मतलब नहीं होगा। कोरोना अगर बहुत ज़्यादा फैलता है तो हम नहीं चाहते हैं कि ज़्यादा फैले, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा फैलता है तो फिर ये बहुत सिचुएशन बहुत ख़राब हो जाएगी। लेकिन अगर इसे संभाल लिया जाता है 1 महीने के अंदर अंदर, जो कि नहीं हुआ है क्योंकि अभी मरीजों की संख्या बड़ी है और अभी हॉस्पिटल्स के अंदर भी काफ़ी जो स्ट्रिक्ट रूल्स लगे हुए हैं, आप अगर यहाँ पर आए तो आपको मालूम चलेगा। अभी के हालात को देखते हुए यही है कि सेफ है कि आप अपने घर में ही बैठे रहें। अब देखिए नीट एग्ज़ाम के अंदर आपको मालूम है कि 15 लाख बच्चे हैं, अब 15 लाख बच्चों को एक कोरोना जैसी स्थिति के अंदर सिचुएशन के अंदर आप एक साथ बुलाना, एक साथ तो मतलब क्या, अगर आप एक सेंटर पर भी बच्चों को देखेंगे तो 700 से 800 बच्चे या फिर मिनिमम 600 बच्चे तो होंगे ही होंगे और इतनी सारी भीड़ आपको मालूम होगा कि जिसने नीट एग्ज़ाम दिया है कि भीड़ कितना होता है और अगर वहाँ पर 2-3 या फिर एक बच्चा भी अगर अफेक्टेड हुआ तो उससे कितना आगे ये फैल सकता है। अब देखिए अगर तो वहाँ तक कोरोना के कम होने के चांसेस तो अभी कम है बिकॉज जिस तरह से ये फैल रहा है तो इसको रोकना थोड़ा मुश्किल है। अगर ये मई तक इतना हालात अच्छे नहीं हुए तो हो सकता है कि 10 से 15 दिन इसको डिले किया जाए नीट एग्ज़ाम को। और मैं आपको बता रहा हूँ कि के बाद गवर्नमेंट के पास एक ही ऑप्शन बचेगा कि नीट एग्ज़ाम को ये कराना तो पड़ेगा ही बिकॉज ठीक है एग्ज़ाम को तो कराना ही पड़ेगा। अब ये भी है कि UPSC का एग्ज़ाम है और SSC के एग्ज़ाम्स है, बहुत सारे बड़े बड़े एग्ज़ाम्स हैं वो भी पोस्टपोन कर दिए गए हैं और उनकी जो डेट्स हैं वो अभी रिलीज़ नहीं की गई हैं, तो ऐसे में नीट एग्ज़ाम को भी पोस्टपोन किया जा सकता है। अब देखिए ये हो सकता है कि एक साथ इस एग्ज़ाम को ना कराया जाए और स्टेप्स के अंदर इस एग्ज़ाम को कराया जाए, लेकिन ये सारी चीज़ें जब भी पॉसिबल है तब ये कोरोना वायरस के कंफर्म हो जाए जब हम 1 महीने बाद यानी अब से हम 1 या 2 मई को ये देख रहे हों न्यूज़ के अंदर कि कोरोना वायरस लगभग 99% इंडिया से हट चुका है, अब कोई थ्रेट नहीं है, तो एग्ज़ाम 3 मई का ही होगा। लेकिन अगर यही सिचुएशन बनी रही, अभी जो सिचुएशन है ये ही सिचुएशन रही तो नीट एग्ज़ाम को कराना अब बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, आपको जो है टेंशन लेना नहीं है, आपको सिर्फ यही सोच के रखना है कि एक महीना आपके पास पड़ा है, उसके अलावा जो आपके पास दिन जो बचे हैं वो आपके दिन आप जोड़ लीजिए, इसको लेकर आपको प्रिपरेशन करती जानी है। आपको अभी माइंड में यही रखना है कि एग्ज़ाम जो है वो टाइम के ऊपर ही होगा, समझ सोचिए कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकता है, लेकिन बस आपकी क्लैरिफिकेशन करने के लिए आपकी जो प्रॉब्लम टर्म्स हैं डाउट्स हैं उसको क्लियरिफाई करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी इसके ऊपर वीडियो बन चुकी हैं तो मैंने सोचा कि मैं आपको क्लैरिफाई करूं और बाकी सारी चीज़ें से आपको बताऊं जिससे कि आपका माइंड में कोई डाउट ना रहे।